कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का एक बयान से सियासी बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान के एक पत्रकार से चैट के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली पर विचार किया जाएगा। आर्टिकल 370 के फैसले को दिग्विजय सिंह ने दुखद बताया है। इस बयान को लेकर पूरी बीजेपी दिग्विजय सिंह पर हमलावर हुई है, तो वहीं अब उनके भाई लक्ष्मण सिंह भी दिग्विजय के बयान को लेकर सामने आए हैं। लक्ष्मण सिंह ने दिग्विजय पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि कश्मीर में पुनः धारा 370 लगाना संभव नहीं है, परंतु ये भी सच है कि धारा 370 का समर्थन करने वाले फारूक अब्दुल्ला एनडीए की सरकार में मंत्री रहे हैं, अथवा एक अन्य धारा 370 की समर्थक महबूबा मुफ्ती का समर्थक बीजेपी कर चुकी है। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह के बयान पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि कांग्रेस क्या फिर धारा 370 धोखे अलगाववाद को हवा देगी। सीएम शिवराज ने कहा कि कश्मीर भारत का मुकुटमणि है, अभिन्न अंग है। ये कांग्रेस ही थी जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाने का पाप किया। प्रधानमंत्री भाजपा सरकार ने धारा 370 हटा दी। अब देश में दो विधान दो निशान नहीं, लेकिन कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा ही बोल रही है।